एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्टिमेशन की। सो एस्टिमेशन आप इसे टैक्सोनॉमी में यूज करेंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बीएससी बॉटनी का हो या फिर एमएससी बॉटनी का हो। सो एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन सिंपली किसी भी आप फ्लावर को देखेंगे तो उस फ्लावर में जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है उसे हम एस्टिमेशन कहते हैं। सो एस्टिमेशन इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विद इन अ फ्लोरल बड। अब ये जो एस्टिमेशन होता है ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप्स के एस्टिमेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि जब भी आप फैमिली की स्टडी करें, डिफरेंट टैक्सोनॉमिक फैमिलीज की स्टडी करें, तो आपको इसको समझने में आसानी हो। सो सबसे फर्स्ट एस्टिमेशन हमारा है वोल्वेट एस्टिमेशन। वोल्वेट एस्टिमेशन में क्या होता है, जो भी चाहे सेपल हो या फिर पेटल हो, उनकी जो मार्जिन्स है वो ओवरलैप यहाँ पर नहीं करेगी। सो वोल्वेट एस्टिमेशन के केस में चाहे वो सेपल हो या फिर पेटल हो, उसका अरेंजमेंट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर मार्जिन्स ओवरलैप नहीं कर रही है किसी भी पॉइंट पे। सो ऐसे एस्टिमेशन को हम वोल्वेट एस्टिमेशन कहते हैं। और इस एस्टिमेशन में ये जो रिप्रेजेंटेड है ये पेटल है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप फ्लोरल डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं तो सेपल को आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और पेटल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये जो डायग्राम है ये पेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर जो एस्टिमेशन है वो वोल्वेट एस्टिमेशन है। वोल्वेट एस्टिमेशन में सिंपली क्या होगा, मार्जिन्स ओवरलैप नहीं करेंगी। अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड एस्टिमेशन की। सेकेंड एस्टिमेशन हमारा है ट्विस्टेड एस्टिमेशन। ट्विस्टेड एस्टिमेशन में क्या होगा, जितनी भी पेटल या सेपल हैं उनका जो एक मार्जिन होगा वो ओवरलैप कर रहा होगा दूसरी मार्जिन से। सो अगर आप इस एस्टिमेशन को ध्यान से देखें तो ये एक पेटल है, इसका ये एंड बाहर की तरफ है। सो दूसरा जो इसका मार्जिन है वो अंदर की तरफ है। सिमिलरली इस पेटल का ये एंड बाहर की तरफ है और ये एंड अंदर की तरफ है। इसी तरीके से सभी पेटल्स के केस में आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी कि एक मार्जिन अंदर होगी तो दूसरी मार्जिन बाहर की तरफ होगी। सिंपली इन एंड आउट सिचुएशन आपको यहाँ पर ट्विस्टेड एस्टिमेशन के केस में देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो वोल्वेट एस्टिमेशन में एग्जाम्पल है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस यानी कि सरसों, और ट्विस्टेड एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो ट्विस्टेड एस्टिमेशन हम लोगों ने अभी अभी हाइबिस्कस के फ्लावर को स्टडी किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, हमने हाइबिस्कस के वीडियो में ट्विस्टेड एस्टिमेशन दिखाया था। इसके अलावा थैमिशिया वाले वीडियो में भी आपको ट्विस्टेड एस्टिमेशन देखने को मिला था। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड एस्टिमेशन की, जो कि है इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन में क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक जो पेटल होगी वो कंप्लीटली इन होगी, एक पेटल कंप्लीटली आउट होगी और बाकी की तीन जो पेटल्स बची हैं उनका एक एंड अंदर होगा, एक एंड बाहर की तरफ होगा। सो देखिए इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन में यहाँ पर क्या है, ये जो पेटल है इसके दोनों मार्जिन्स बाहर की तरफ है। उसके बाद अगर आप देखें इस पेटल को तो इस पेटल की दोनों मार्जिन्स अंदर की तरफ है और बाकी की जो तीन पेटल्स बची हैं उनकी एक मार्जिन अंदर होगी, एक मार्जिन बाहर की तरफ होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पेटल, इसकी ये मार्जिन अंदर की तरफ है और ये वाली मार्जिन बाहर की तरफ है। सिमिलरली इस पेटल की ये मार्जिन बाहर की तरफ है और ये वाली मार्जिन अंदर की तरफ है। सिमिलरली इस पेटल की भी ये मार्जिन बाहर है और ये मार्जिन अंदर की तरफ है। सो इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन में क्या कंडीशंस होती हैं, एक पेटल, अभी हम यहाँ पर पेटल का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए पेटल की बात कर रहे हैं। सो इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन में एक पेटल का जो एंड है वो कंप्लीटली दोनों एजेस दोनों मार्जिन बाहर की तरफ होंगे, दूसरे पेटल के दोनों मार्जिन कंप्लीटली अंदर की तरफ होंगे और बाकी के जो तीन पेटल बचेंगे उनका एक मार्जिन अंदर होगा और एक बाहर की तरफ होगा। सो ऐसा कंडीशन आपको इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन में देखने को मिलेगा और एग्जाम्पल यहाँ पर है केशिया का। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एस्टिमेशन की, जो कि है कुंगुनिशियल एस्टिमेशन। कुंगुनिशियल एस्टिमेशन के केस में क्या होता है, दो पेटल्स यहाँ पर कंप्लीटली इन होंगी, दो पेटल्स कंप्लीटली आउट होंगी और जो एक पेटल बचेगा उसका एक एंड अंदर होगा और एक एंड बाहर की तरफ होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुंगुनिशियल एस्टिमेशन में इस पेटल को देखिए, इस पेटल की दोनों मार्जिन्स
अंदर की तरफ है। इसके अलावा इस पेटल की भी दोनों मार्जिन्स अंदर की तरफ है। सिमिलरली ये जो पेटल है इसकी दोनों मार्जिन्स बाहर की तरफ है और इस वाले पेटल की भी दोनों मार्जिन्स बाहर की तरफ है। अब जो आखिरी पेटल बचा ये वाला, इसकी एक मार्जिन बाहर है और दूसरी मार्जिन अंदर की तरफ है। सो इस टाइप के एस्टिमेशन को हम कहते हैं क्विंटेंशियल एस्टिमेशन, जिसमें कि पेटल्स के केस में अगर हम बात करें तो दो पेटल्स कम्प्लीटली इन होंगी, दो पेटल्स कम्प्लीटली आउट होंगी और एक पेटल इन एंड आउट होगा। सो इस टाइप की सिचुएशन को हम बोलते हैं क्विंटेंशियल एस्टिमेशन। और एग्जाम्पल इसका है हेविशिया पेरुवियाना का कैलिक्स, तो हमने इसका वीडियो डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने क्विंटेंशियल एस्टिमेशन कैलिक्स के केस में थेविशिया में दिखाया था। सो अब हम बात करते हैं अपने फाइनल एस्टिमेशन की, जो कि है वेक्सिलरी एस्टिमेशन। वेक्सिलरी एस्टिमेशन आपको फैमिली पैथिलियोनेसी में, यानी कि पी के केस में आपको ये देखने को मिलेगा। और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपको कुछ इस टाइप का शेप देखने को मिलेगा करोला के केस में। और वहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्ट्रक्चर दिखाई देगा पेटल के केस में, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। इसके अलावा साइड में दो स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होंगे पेटल के लैटरली, जिसे हम कहते हैं विंग। और लास्ट में यहाँ पर ये दो फ्यूज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है पेटल के केस में, जो कि है की। सो आपको वेक्सिलरी एस्टिमेशन के केस में तीन ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, स्टैंडर्ड, विंग एंड की। सो इस तरीके से फाइव डिफरेंट टाइप्स के ये एस्टिमेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डायग्राम बनाते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप सेपल ड्रॉ कर रहे हैं या पेटल। सेपल के लिए ये वाला सिंबल और पेटल के लिए ये वाला सिंबल। सो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने हैं वो पेटल के लिए बने हुए हैं। और एस्टिमेशंस हमने एक बार क्लियर डिस्कस कर लिया, एक बार और इसे देख लेते हैं। वॉल्वेट में यहाँ पर मार्जिन्स ओवरलैप नहीं करती हैं ऐसे एस्टिमेशन में। ट्विस्टेड में क्या होगा, जो भी पेटल है या सेपल है उसका एक मार्जिन अंदर होगा, एक मार्जिन बाहर की तरफ होगा, अल्टरनेटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्विस्टेड एस्टिमेशन के केस में। इम्ब्रिकेट में एक पेटल कम्प्लीटली इन, एक पेटल कम्प्लीटली आउट और बाकी की जो तीन पेटल्स हैं उनकी मार्जिन्स इन एंड आउट। क्विंटेंशियल में अगर हम बात करें तो दो पेटल्स हैं, दो कम्प्लीटली इन होंगी, दो कम्प्लीटली आउट होंगी और एक पेटल यहाँ पर होगा, उसका एक एज अंदर और एक एज बाहर की तरफ होगा। और वेक्सिलरी एस्टिमेशन में आपको स्टैंडर्ड, विंग और कील देखने को मिलेगा। सो ये बेसिकली फाइव डिफरेंट टाइप्स के एस्टिमेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।